अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 7 करेंगे वाटर, जिसका आज का हमारा टॉपिक है वाइट वाटर राफ्टिंग इन रशिया। इसकी आज हम सेकंड वीडियो करेंगे, पार्ट 2 है इस टॉपिक पे हमारा। और आज हम 8 अगस्त जहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 127, वहाँ से इसकी ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली वीडियोज़ को पूरा देखा करें, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाई जा रही होती हैं, आपकी रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही होती हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि जितना भी डिटेल वर्क हो सके और जितनी आसानी हो सके आपको समझ आ सके, तो उस पर पूरी मेहनत हो रही होती है, तो काइंडली आप भी पूरा देखा करें, ठीक है। और अच्छा, चलें अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। लास्ट नाइट को जो है क्या हुआ था कि कैंप लगा हुआ था रिवर के किनारे पे, जहाँ पर पीले पत्थर थे, जहाँ पे रोजेज जो है रोजेज फ्लावर लगे हुए थे स्टोन्स के दरमियान में, जो कि स्टर्निंग यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहे थे। लेकिन अब वो यहाँ पर अपनी परेशानी बता रहे हैं, दो टेंशन वो अपनी बता रहा है। एक बता रहा है फ्लैश फ्लड्स के बारे में। अच्छा, फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, जो इसमें जो जब अचानक बारिश हो जाए ना दरियाओं के अंदर, तो उसके पानी का बहाव एकदम सडन जो है वो चेंज तेज़ हो जाता है। तो उसको ये टेंशन था कि इसमें जो है फ्लड ना आ जाए, ठीक है। और दूसरी इसको टेंशन ये थी कि जो किनारे पर बड़े बड़े तने पड़े हुए थे दरख्त के, ठीक है, वुड पड़े हुए थे, अगर उनमें आग लग गई तो उनकी इंटेंसिटी के बारे में बता रहा है कि उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी शिद्दत ऐसी है कि अगर उसमें आग लग जाए तो जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाए, इतनी तेज़ी, इतना अगर उसमें आग लगेगी तो उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी शिद्दत जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। आप कह रहे हैं कि आज जो है वो हम अपने पहले फ्यूरियस रैपिड से का किसके सामने जाने वाले थे। फ्यूरियस कहते हैं एक्सट्रीमली एंगर, ठीक है। जो रैपिड्स मैंने आपको बताया था, पानी का तेज़ बहाव, पानी का बहाव ऐसा तेज़ था जैसे ऐसा लग रहा था कि पानी जो है वो फ्यूरियस है यानी एकदम गुस्से में लग रहा है, ठीक है। फ्यूरियस का मतलब हो गया वेरी एंगर, टेरिफाइंग का मतलब होता है वेरी फेयरफुल, एक्सट्रीमली फेयरफुल यानी जो है डर भी लग रहा था कि पानी में हम किस तरह से जाएंगे। लेकिन जो है खुश कौन था, एक्सीलरेटिंग कहते हैं, हैप्पी कौन था, कोलिया और मिशा दोनों हैप्पी थे क्योंकि वो अपने आप को देख रहे थे। इमर्ज कहते हैं विजिबल या अपेयर होना, वो कहते हैं कि हम अपने आप वो ऐसे सोच रहे थे कि जैसे हम पानी की दीवार पर हैं, जैसे पानी का बहाव जब तेज़ होता है, राफ्टिंग जो है तेज़ पानी के बहाव पर होती है ना, तो ये वो लोग देख रहे थे अपने आप को ऐसे, देख ऐसे दिमाग में उनके चल रहा था कि पानी के ऊपर जो है ये लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, तेज़ पानी के ऊपर वॉल जैसा बना हुआ था पानी का, इस तरह से उन्होंने अपनी पैडल्स भी उठा ली थी, ठीक है, जैसे कि विक्ट्री के लिए कोई इंसान उठाता है ऐसे। ट्रायम्फ कहते हैं विक्ट्री को, ठीक है। फिर कहते हैं बाद में हम रुक गए थे रिवर बैंक के किनारे और फिर हमने चढ़ाई की, हम मुश्किल से चढ़े। बार्ले कहते हैं कि हार्डली, और डिस्क्रेनेबल कहते हैं विजिबल को, जो वो हमें नज़र आ रहा था, क्लिफ यानी वर्टिकल माउंटेंस। वो कह रहे हैं वर्टिकल माउंटेन जो होता है ना बिल्कुल स्टीप होता है, बिल्कुल गहराई में होता है, स्ट्रेट होता है, तो उस पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कह रहे हैं हमारे लिए मुश्किल था उसके ऊपर चढ़ना, लेकिन ऊपर से जो है वो फ्लैट ओपन था, वो ऐसा क्लिफ था जो बिल्कुल कैसा था, खुला था। और जो है स्टीपी कहते हैं कि वहाँ पे जंगल तो नहीं था लेकिन ग्रासलैंड था, ठीक है, अनफॉरेस्टेड ग्रासलैंड था जो कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। स्वेप्ट कहते हैं क्लीन को, हॉट विंड्स की वजह से क्योंकि वहाँ पे गर्म हवा चल रही थी, और वहाँ पे पुराने पत्थर रखे हुए थे जिसपे जो है वो स्टैचू बने हुए थे, किसके बने हुए थे, आइबेक्स कहते हैं, एक तरह का गोट होता है, उसके जो है कर्ली हॉर्न कहते हैं, जो सींग होते हैं जो उसके सर पे लगे हुए होते हैं, वो जो है उसकी कार्विंग हुई थी, उसके स्टैचू बने हुए थे। इसके बाद वो अपनी डायरी में लिखता है कि वो कहता है कि हम लोग फ्लोट करते हुए यानी तैरते हुए जो है सुकून से जा रहे थे, लेकिन जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं थी और इतनी ठंडक थी जैसे डेडली मरने वाली ठंडक थी, हालांकि हमने हैवी सूट पहने हुए थे फिर भी हमें बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। 9th अगस्त को क्या हो रहा था कि कैंप लगाया उन्होंने रिवर के जॉइंट पर, रिवर के जंक्शन के पास, रिवर के चेक पॉइंट के पास, जहाँ पे उन्होंने उन 5 लोगों को देखा जो उनसे पहले 5 दिनों के लिए निकले थे। उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल खामोश थे और वो लोग अब काम कर रहे थे, इरेक्टिंग कहते हैं, जो दोबारा से बना रहे थे गाइगेनिक क्रूफिक्स, बड़ा सा क्रूफिक्स बना रहे थे जो क्रॉस का निशान होते हैं ना जो क्रिश्चियंस पहनते हैं, वैसा बना रहे थे। और वो उसे कहाँ रखना चाहते थे, राफ्टर म्यूज़ियम में रखना चाहते थे कि ताकि जो दूसरों को भी नॉलेज मिले, और एक यूनिक चीज़ है तो म्यूज़ियम में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो यूनिक हों और जिससे सामने वाले को नॉलेज मिल सके। राफ्टर म्यूज़ियम में जो है वो वुड्स भी रखे जाते हैं, वुड से बनी हुई चीज़ें भी रखी जाती हैं क्योंकि वहाँ पर रिवर के पास राफ्टिंग के लिए जो वुड इस्तेमाल होती है, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस टाइप की वुड से राफ्टिंग तैयार होती है, ठीक है। जेरे कहते हैं स्ट्रेंज कलेक्शन था, फैंटेस्टिकली शेप्ड स्कल्पचर्स का, बहुत सारे जो है स्कल्पचर्स भी बनाए थे, तस्वीरें भी बनाई थी जो कि लकड़ी से बनाई गई थी, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि ड्रिफ्ट वुड जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है किनारों पे अक्सर रिवर्स के, तो उसी से राफ्टिंग वगैरह तैयार करते हैं लोग। और
इसी से यहाँ पे देखें उन्होंने स्कल्पचर्स भी बनाए थे, ठीक है, और उसको ये लोग म्यूज़ियम में रखना चाहते थे। और जो कुछ भी उन्हें वहाँ पे मिला, सीथिंग जंक्शन कहते हैं, सीथिंग कहते हैं वेरी इंटेंसिवली हॉट, ठीक है, उस चेक पॉइंट के बाद जो कुछ उन्हें नज़र आ रहा था कि जो कुछ वो लोग रख सकते थे, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे म्यूज़ियम के अंदर, तो उन्होंने उसे लिया। द मोस्ट सिनिस्टर, सिनिस्टर का मीनिंग होता है जो थ्रेटनिंग बात क्या थी वहाँ पे, कि कारकोस ऑफ अ डेड हॉर्स, कारकोस कहते हैं डेड बॉडी ऑफ एनिमल, तो किसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, हॉर्स की पड़ी हुई थी, उसके स्किन्स के साथ और उसके इंट्रेल्स यानी उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी पड़े हुए थे। प्रॉप्ड अप ऐसा दिख रहा था, ऊपर से ऐसा रेज हुआ हुआ दिख रहा था कि जैसे वो गैलप हो गए, यानी वो अभी यहाँ से उठ के भाग जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा। एक स्टॉप ऐसा था जो प्रीकारियस यानी इनसिक्योर था, कायला ने जो है वो टाई किया, मोट कहते हैं टाई अप किया उसने राफ्ट को, एक चर्निंग कहते हैं शेकिंग वाटर के स्विरल के पास, स्विरल मतलब गोल गोल जो पानी हल्का हल्का घूम रहा होता है किनारे की तरफ उधर। और ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि वो लीप यानी उसके ऊपर जंप करके जो है बैंक किनारे पे जाना चाहता था, ताकि जो है वो बादान लीव्स इकट्ठा कर सके, क्योंकि गालियास के को स्टमक पेन हो रहा था, ठीक है, बादान लीव्स जो है वो स्टमक पेन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपको रिवर्स के पास मिलेंगे। 10 अगस्त को वो लिख रहा है कि मैं कुछ लिखने की मेरे में हिम्मत नहीं है आज, मैं बहुत थक चुका हूँ, बस इतनी एनर्जी बची है कि मैं फायर के पास बैठ जाऊँ। थो आउट का मतलब है ग्रेजुअली गेट वार्म आफ्टर बीइंग वेरी कोल्ड, और बेटेड का मीनिंग है डैमेज बाय हार्ड यूज़, ठीक है। 11 अगस्त को वो लिखता है कि आज बहुत एक्साइटेड दिन था और आज हमारा आखिरी दिन था, आज हमारा आखिरी दिन था। और उन्हें क्या नज़र आया, एक रेड बनाना टाइप की चीज़ आगे उनके चलती हुई नज़र आ रही थी, जो कि पानी के ऊपर टॉस हो रही थी यानी ऊपर उछल रही थी। इट टर्न आउट का मतलब फाइनली उनको पता चला कि वो एक टाइनी किनोए है जिसमें दो आदमी बैठे हुए हैं। इलिक्विड मतलब अनप्रिपेयर थे, उन्होंने कोई सूट वगैरह नहीं पहना हुआ था और ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई प्रिपरेशंस की थी पानी से निमटने के लिए, जब पानी रैपिड से निमटने के लिए, लेकिन वो फ्रेंडली रशियंस थे। वो डॉज द बैरल, डॉज टू द बैरल का मतलब है अवॉइड टू अटैक फोर्सफुली, वो पानी के साथ कोई जो है वो फोर्सफुली जो है उसके ऊपर अटैक नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, वो रैपिड के साथ स्पोर्ट्स करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन लीथल स्पिनिंग थी टॉरेंट की ऑफ अपस्ट्रीम। लीथल कहते हैं डेडली, स्पिनिंग मतलब गोल गोल घूम रहा था, टॉरेंट मतलब फ्लड, डेडली जो है तरीके से पानी फ्लड जो है वो गोल गोल घूम रहा था, और नदी जो है वो ऊपर आ रही थी यानी पानी का बहाव ऊपर की तरफ आ रहा था, जिससे बड़ी बड़ी लहरें बन रही थी। अपस्ट्रीम वेव्स का मतलब क्या है, ऊंची ऊंची लहरें बन रही थी, विच सर्ज अराउंड सबमर्ज बोल्डर्स, जिससे अचानक जो आसपास के जो पत्थर थे, बोल्डर्स कहते हैं पत्थरों को, वो सबमर्ज कहते हैं पानी के अंदर चले गए थे, ठीक है, फिर वो लोग हम तक पहुंच गए और उन्होंने हमें हेलो कहा। कौन, जो रशियंस की बात हो रही है, जो किनारे में बैठे हुए थे वो हम तक पहुंचे और उन्होंने हमें हेलो कहा और हमें कुछ स्वीट्स दी। कोलिया और मिशा ने दोबारा तैयारी शुरू की, गियर अप मतलब दोबारा प्रिपरेशंस करी ताकि कोई दूसरा हो एक्सट्रीमली जो ख़तरनाक हो रैपिड, उनसे निमटने के लिए वो दोबारा प्रिपरेशंस कर रहे थे कि कोई और रैपिड तो नहीं आने वाला। और कहता है कि मैंने जो है वो राफ्ट पे अपनी ग्रिप की यानी मजबूत की, अपने आप को सख्ती से पकड़ लिया राफ्ट के साथ, और अपनी आँखों से मैं देखने लगा कि आसपास कुछ है तो नहीं, जब तक फिर मैंने कंपेयर करा कि कोई ख़तरा नहीं है तो मैं सुकून में आ गया। अचानक वो कहता है कि मैंने कोलिया की आँखों में चमक देखी और वो हम बात कर रहा था हाईएस्ट ग्रेड रैपिड्स के बारे में जो कि ट्रिप की थी, और उसने मेरी आँखों में टेरर देखा। फिर हम लोग लैंड किया हमने बैंक के पास, किनारे के पास, और वहाँ पर हमने देखा कि जो है क्या था, फ्लावर फील्ड ग्लेड था। ग्लेड कहते हैं एन ओपन एरिया, जो फॉरेस्ट का जो खुला इलाका होता है ना उसको कहते हैं ग्लेड कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे और हमने वहाँ पर अपनी जो है राफ्ट को रखा हुआ था, तो हमारी राफ्ट जो है वो टम्बलिंग कर रही थी यानी नीचे जा रही थी पानी के, ठीक है, क्योंकि पानी जो है उसको क्या कर रहा था, उसके ऊपर से गुजर रहा था, ठीक है। एलेटेड टू बी ऑन ड्राई लैंड, हम एलेटेड मतलब ये होता है हैप्पी, हम बहुत खुश थे इस सूखी ज़मीन पर। और फिर हमने बैक टू बोर्ड यानी हम वापस काम पर चले गए और हमने फाइनल ग्लैड यानी इजीली हमने बना लिया, क्या बना लिया, कैंप, और वहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया चॉकलेट के साथ और हमारी स्पैगेटी के साथ। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।